अस्सलाम वालेकुम वन क्लास एंड टेक योर एसएसटी बुक एंड ओपन द पेज नंबर 17 जी 16 का हम लोगों ने रिव्यू जो है पीछे वाले सॉरी लेक्चर का एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। ठीक है, पीछे वाला लेक्चर था हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स थी। ठीक है, कि क्या कौन कौन किस तरह हम अपने आप को साफ़ कर सकते हैं, उनके लिए उन्होंने चीज़ें दी थी कि सोप है, हैंड वॉश है, नेल क्लिपर है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में दे दी थी। ये फिल इन द ब्लैंक्स आगे था पुट द करेक्ट आंसर, कि हम लोगों ने पुट द करेक्ट आंसर भी किए थे कि जो हमारे क्लॉथ वी वेयर वार्म क्लॉथ, वार्म क्लॉथ हम कब पहनते हैं, कोल्ड में जब सर्दी होती है तो हम अपने जो क्लॉथ हैं उनको साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, उनको वॉश करते हैं। ठीक है, व्हेन आर क्लॉथ हैज बीन वॉश, जब वॉश हो जाते हैं फिर उनको क्या करते हैं, फोल्ड देम नीटली एंड पुट इन द कबर्ड। ठीक है, ये हम लोगों ने पेज हमारा फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हो चुके हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने लेसन नंबर 4 स्टार्ट करना है, फूड। ठीक है, फूड वाला लेसन अब हम स्टार्ट करेंगे, FOOD फूड, लेसन नंबर फूड का। वी ईट फूड टू मेक आर स्ट्रॉन्ग, जी हम फूड क्यों खाते हैं, खुराक हम क्यों खाते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बच्चे से पूछें कि खुराक क्यों खाते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, ग्रो अप करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए हम क्या खाते हैं, किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, खुराक की। ठीक है, फूड की। वी ईट फूड टू मेक आर स्ट्रॉन्ग, जो फूड है वो हमें क्या करता है, STRONG स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाता है हमें। ठीक है, और एंड हेल्दी और सेहतमंद बनाता है। ठीक है, हमें नेक्स्ट है फूड हेल्प्स अस टू डू मैनी थिंग, फूड जो है वो हमें बहुत सी चीज़ें करने में मदद देता है। हेल्दी फूड हेल्प अस टू ग्रो, हेल्दी फूड जो है वो हमें हेल्प करता है किसके लिए, ग्रो करने के लिए। ठीक है, अंडरलाइन दीज अंडरलाइन वर्ड्स आर अ डिक्टेशन वर्ड, ओके, अंडरलाइन में साथ साथ आप करेंगे। GROW ग्रो, HEL हेल्थ, THY हेल्दी, FWD फूड, STRONG स्ट्रॉन्ग, THINGS थिंग्स। सम फूड्स आर ग्रोन, जो कुछ फूड हैं, कुछ खुराक जो है हम उनको ग्रो करते हैं, कुछ हम एनिमल से गेट करते हैं, कुछ हम प्लांट से गेट करते हैं। ठीक है, और कुछ हैंडमेड भी होती हैं, कुछ नेचुरल होती हैं, जैसे ये सारी नेचुरल हैं। लुक नट्स, NUTS नट्स क्या होती हैं, इसमें नट्स में ना खुश्क मेवे ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे मूंगफली है, चलगोजे है, पिस्ता है, बादाम है। ठीक है, इस तरह के अखरोट है, ये सारी चीज़ें नट्स में आ जाती हैं। ठीक है, वीट्स, गंदम, गंदम की ऐसी ये फसल्स मतलब खेतों में उगाई जाती है। आप बीन्स और प्लांट, बीन्स फलियों की सब्जी है, जो दरख्त होता है ये भी दरख्त पे लगती हैं। एंड एप्रिकोट ट्री फल है, एप्रिकोट का ट्री है, खुबानी जो है वो किस पे लगती है, दरख्त पे लगती है। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो ऑन प्लांट, जो फ्रूट और वेजिटेबल कहाँ पे ग्रो होते हैं वो ज़्यादातर प्लांट पे और छोटे छोटे जैसे श्रब और हर्ब्स पे क्या होती हैं, वो प्लांट ग्रो करती हैं, वहीं पे वो पैदा होती हैं, वहीं पे वो बड़ी हो जाती हैं। सम फूड्स कम फ्रॉम एनिमल्स, कुछ जो फूड है वो हम कहाँ से हासिल करते हैं, एनिमल से, जैसे चिकन है वो हैन से हासिल करते हैं, बीफ मीट बकरे से, और फिश बड़े गाय वगैरह से, फिश से हासिल करते हैं। ठीक है, फिश एंड बर्ड्स, कुछ हम परिंदों से हासिल कर सकते हैं और कुछ हम फिशेज से हासिल करते हैं। ठीक है, कुछ जो फूड है उन्होंने कहा वो हम एनिमल से हासिल करते हैं, जैसे जैसे लग फिश है, बर्ड है, काऊ है, मिल्क है, चिकन हैन है, ठीक है, और गोट है। कुछ जो है हम जैसे मिल्क है वो हम काऊ से हासिल करते हैं, जैसे कुक्ड मीट ये जो गोश्त होता है पका हुआ मीट। ठीक है, HEN हैन, GOT गोट से हम मीट हासिल करते हैं, चिकन हैन से हम चिकन हासिल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आज हम करेंगे, ये जो अंडरलाइन वर्ड है दीज आर आर डिक्टेशन वर्ड। ठीक है, टुडे डेट इज 14 सितंबर 2019, और ये आप लोगों ने अच्छे से रीडिंग और इसकी डिक्टेशन अच्छे से करनी है। ठीक, कुछ समझ नहीं आए तो अगेन आप पूछ सकते हैं। जी डू यू नो, में हम ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पोटैटोज आर वन ऑफ द टॉप 5 क्रॉप्स ग्रोन इन द वर्ल्ड, पोटैटो जो हैं वो आलू जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो मतलब टॉप पे हैं, जो 5 सब्जियां जो हैं ना, हाँ जी, 5th टॉप सब्जियां जो हैं उनमें 5वीं पोजीशन पे हैं सब्जियों में। ठीक है, मतलब कि मोस्टली जो पोटैटोज हैं आलू वो बहुत ज़्यादा मिकदार में दुनिया में खाया जाता है हर सब्ज़ी में। तो क्यों कहते हैं ना आलू को सब्जियों का बादशाह कहा जाता है, कि हर सब्ज़ी में गोभी हो तो उसमें भी आलू,
और मटर हो तो उसमें भी आलू, गाजर हो तो उसमें भी आलू, और मतलब ब्रिंजल है, बैंगन है उसमें भी आलू। कि पोटैटो को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर सब्ज़ी में तकरीबन ये यूज़ होता है। साइंटिस्ट हैव इवन ट्राई टू ग्रो पोटैटोज ऑन अ स्पेस शेल्टर्ड इन स्पेस। मैंने भी नहीं बोला।